सरकारी योजना YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बेहतर होंगे। दोस्तों कल परसों हमने ये दिखाया था BSNL में सिम कार्ड कैसे पोर्ट करें, एक मिनट का काम है, घर बैठे कोई सी भी सिम BSNL में पोर्ट कर सकते हैं। वो परसों वीडियो डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैं उसका डालूंगा जिसको BSNL में पोर्ट कराना है, क्योंकि जो रिचार्ज कर रहा है वो लगभग उनका 300 का है, BSNL का 150 का है वही रिचार्ज, तो इन्होंने जो है बहुत लूट मार मचा दी, इसलिए डेली लाखों की संख्या में जो जियो और एयरटेल और VI की जो सिम है वो पोर्ट हो रही है BSNL में। तो भाई कहीं ऐसा ना हो आप BSNL में पोर्ट अपनी सिम कार्ड करवा लो और आपका नेटवर्क BSNL 4G या 5G या 3G वहां है ही नहीं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक मिनट के अंदर आपको चेक करके दिखाऊंगा। भाई जो है ऑनलाइन अपनी सिम कार्ड पोर्ट कराने से पहले, BSNL सिम लेने से पहले अपने एरिया में, अपने गांव में, जिला में नेट चेक कर लेना कि भाई BSNL में नेटवर्क है भी या नहीं भी। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूँ। हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब की अपील है, एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक होता ही मत्तागत प्रेरणा देता है। कुछ भी हो भाई, आपसे जिसका लेना देना आप चाहिए, योजनाएं हो, पैसा हो, घोषणा हो, ऐलान हो, बैंक हो, लोन हो, तो पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कोई भी योजना भाई, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब की अपील है। अब स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है NPERF। क्या टाइप करना है भाई? NPERF जो मैंने टाइप किया, ठीक है, आपको उसे सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे इसका वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा, NPERF स्पीड टेस्ट। यहाँ से आप अपना स्पीड भी टेस्ट कर सकते हो। हमने चेक करना है BSNL में, हमारे यहाँ वर्तमान जहाँ मैं हूँ या जिस भी जिले या राज्य या जिस भी ब्लॉक या जिस भी सिटी के अंदर आपको चेक करना है भाई BSNL का 5G 4G 3G कौन सा कनेक्शन हमारी लोकेशन पे, ठीक है, तो आपके समक्ष इस तरह आ जाएगा। यहाँ आपका जो है स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा, ये स्पीड जो है इंटरनेट स्पीड आता रहता है, ठीक है, तो आपको चेक करना है भाई BSNL का, ठीक है। यहाँ तीन लाइन आपको देखने को मिलेंगी, आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ से स्टार्ट टेस्ट यहाँ से देखने को मिल जाता है, यहाँ पूरा MBPS दिखा देता है कितना MBPS वो चल रहा है स्पीड। यहाँ तीन लाइनों पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको भाई जो है कवरेज मैप का ऑप्शन मिलेगा, आपको कवरेज मैप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कवरेज मैप पर क्लिक करेंगे, कवरेज मैप पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके समक्ष इस तरह आ जाएगा 3G 4G 5G कवरेज मैप इंडिया। यहाँ कैरियर का ऑप्शन है, यहाँ से आपका जो भी सिम कार्ड है वो आपको चुन लेना है, ठीक है। जैसे हमारा BSNL है, सर्च हियर, यहाँ सर्च हियर में अपना जो भी आपका सिटी है, ठीक है, जैसे मेरा सोहना है SOHNA, यहाँ आपको आने देना भाई यहाँ। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है जो यहाँ आया, ठीक है, इस पर आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे भाई अब आपके समक्ष जो है पूरा वो आ जाएगा। उससे पहले ये चीज़ जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा भाई, यहाँ से आपको पता लगेगा इन बिंदुओं से कि भाई मेरे यहाँ 4G का नेटवर्क BSNL का या 3G का या 2G का, आपको नीचे की ओर से स्क्रॉल डाउन करना है, ये चीज़ समझना भाई। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील है, ठीक है। अगर इस तरह का आपके समक्ष चाहे तो इसका मतलब BSNL का आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है कैसा भी, ठीक है। अगर इस कलर में आपको देखने को मिले ब्लू लाइट टाइप में, बिल्कुल डार्क ब्लू, तो 2G है। अगर बिंदु आपको देखने को मिले ग्रीन में तो आपको 3G समझना। अगर आपको जो है गुलाबी यानी भगवा रंग, भगवा जो BJP का झंडा का, अगर ये देखने को मिला तो ये समझना कि 4G है, ठीक है। अगर रेड में देखने को मिला तो 4G प्लस है, और अगर जो है आपको ब्लू मिले तो आप समझना कि 5G है। इस ब्लू और इसमें समझ लेना भाई, इस ब्लू और इसमें, ठीक है। यहाँ से साथियों जैसे हमने सर्च किया है, ठीक है, हमारी लोकेशन पर, अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ भाई, ये देखो भाई, ये देखो, ये मेरा लोकेशन आया जो मैंने अपना टाइप किया था, रेड ग्रीन 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 पूरा ग्रीन है। ग्रीन किसका है? ग्रीन यहाँ 3G का है, तो यहाँ मेरे सिटी में कौन सा नेटवर्क? 3G, ठीक है। यहाँ जो है इस एरिया में मेरा जो है वो उसका है 4G का नेटवर्क है, तो 4G ये क्या है यानी भगवा रंग है यानी गुलाबी रंग है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो गया? नारंगी भी इसे कहते हैं, संतरे वाला, ठीक है साथियों, 4G है, ठीक है। तो यही हमारे मोस्टली जो है रंग्स हैं। यहाँ आप देखो ये 2G वाला इधर है, 2G वाला इधर है, यहाँ फिर 3G नेटवर्क है, यहाँ साथियों फिर यहाँ 4G पकड़ लेता है, यहाँ फिर 4G भी है और 3G भी है, ठीक है। तो 5G BSNL का अभी है नहीं, तो इसलिए 5G का आपको यहाँ कोई बिंदु नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। तो अब एक और चेक करके दिखा देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, स्टेप बाई स्टेप आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो है आपको मैं और आपको दिखा देता हूँ इसका भाई पूरा जो है मामला आपको समझा देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप टाइप करोगे यहाँ स्क्रॉल करोगे तो नीचे जाओगे, अगर आप मैप पे करोगे तो फिर मैप पे घुमाता रहेगा। अगर आपको ये निशान देखना तो आपको जो है
यहाँ ऊपर 3G 4G 5G ऐसे नीचे करना है, ठीक है, मैप पर, फिर मैप पर घुमाता रहेगा ये। अगर इस तरह का निशान आता है तो इसका मतलब यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो ये चीज़ जो है इन्होंने क्लियर कर रखा है, ये समझ लेना भाई, कभी आप ढूंढते फिरा करो, चेक कैसे करो। इसलिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, हमने BSNL सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ से किसी भी सिम का देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ से गुरुग्राम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, हमने गुरुग्राम टाइप कर दिया, ये गुरुग्राम आ गया। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं और सर्च पर इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही साथियों आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष जो है ये देखो भाई पूरा गुरुग्राम का हमारा आ चुका है। गुरुग्राम का आप इसे जो है जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह जो है आप इसे जूम कर सकते हैं। यहाँ भाई ये पूरा गुड़गांव का हुआ है, यहाँ 4G में नेटवर्क है, यहाँ कहीं कहीं 4G प्लस पकड़ रहा है, कहीं कहीं इसका जो है साथियों 3G, मोस्टली 3G इसका है, तो ये 4G है। यहाँ बिंदु इसको अपना जूम कर लेना भाई, इस तरह आप अपना चेक कर पाएंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का पी ले, ये एक नंबर जो मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। इन पॉइंटों को समझ लेना, ये ब्लैक वाला कुछ नहीं है, ये मैंने बताई दिया 2G 3G, जिस तरह ये बिंदु वहाँ आ जाए उससे समझ लेना अपना नेटवर्क एरिया में नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का पी